ब्रह्मोस 2 हाइपरसोनिक को छोड़ो, भारत ने ये क्या बना दिया? चीन के सारे रडार और डिफेंस सिस्टम एक क्लिक में तबाह। अमेरिका भी हैरान, क्या भारत ने बना डाली दूसरी ही हाइपरसोनिक मिसाइल? पूरी दुनिया को हैरान करने वाली नई मिसाइल का यूरोप किसी ने नहीं देखा था। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आपको ये बता दें कि धरती पर केवल रूस एकमात्र ऐसा देश है जिसके पास हाइपरसोनिक मिसाइल मौजूद है। अमेरिका और चीन ऐसी मिसाइल का टेस्ट कर रहे हैं, लेकिन अभी तक इनका ये प्रोजेक्ट पूरा नहीं हो पाया, बल्कि इनके तो टेस्ट ही लगातार फेल होते जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर हम आपको ये बता दें कि भारत हाइपरसोनिक मिसाइल के लिए ब्रह्मोस 2 नाम की सुपर मिसाइल रेडी कर रहा है और इसके टेस्ट भी बिल्कुल सही जा रहे हैं। लेकिन दोस्तों, हम आपको यहाँ पर ब्रह्मोस 2 हाइपरसोनिक मिसाइल की बात नहीं बतलाएंगे, बल्कि हम आपको भारत की फुली रेडी ऐसी मिसाइल की जानकारी देने वाले हैं जो न केवल भारत की पहली अपने आप में अलग मिसाइल है, बल्कि इसके साथ ही भारत ने कुछ ऐसा भी कर दिया कि इसका एक और क्लोन बनकर तैयार हो गया और इसकी ताकत और स्पीड इतनी है कि ब्रह्मोस 2 की ज़रूरत भारत को शायद ही पड़े, क्योंकि जो काम ब्रह्मोस 2 कर सकती है उतना या उससे ज़्यादा तबाही तो भारत की ये नई मिसाइल ही कर डालेगी। जी हाँ दोस्तों, आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, लिहाजा वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा। दोस्तों, आज जो कुछ हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं, जिस हथियार के बारे में बताने वाले हैं और जिस सिस्टम के बारे में बताने वाले हैं, यकीन मानिएगा भारतीय वैज्ञानिकों का ऐसा शानदार कॉम्बिनेशन और मिसाइल प्लानिंग देख आप भी एक बार भारत के ऐसे वैज्ञानिकों को सलाम किए बगैर नहीं रह पाएंगे, क्योंकि भारत ने एक ऐसा हथियार डेवलप कर लिया है जो दुश्मन देश कैसा भी हो, कितना भी पावरफुल हो, भारत चाहे तो उसका सर्वनाश कर सकता है। भारत ने विशेष तौर पर चीन के लिए ऐसी दो शानदार मिसाइलें तैयार कर ली हैं जो एक के बाद एक दोनों मिसाइलें फायर होंगी। चीन चाहे तो इन मिसाइलों को रोकने के लिए धरती का कितना भी पावरफुल हथियार ऑन कर दे, भारत की इन मिसाइलों के वार से बच पाना नामुमकिन होगा। और ऐसा हम कोई बनी बनाई बातों की तरह नहीं कह रहे, बल्कि पूरे प्रूफ के साथ आपको बताएंगे, क्योंकि भारत ने वो सुपर हथियार बनाया है जिसने भारत को चारों देशों के स्पेशल क्लब यानी कि अमेरिका, रूस और जर्मनी के एक बहुत ही खास क्लब में शामिल किया है। लेकिन दोस्तों, इसकी ताकत की लिमिट यहीं तक सीमित नहीं होती, बल्कि इस वीडियो में हम इस हथियार की एक और ताकत की बात आपको बताएंगे, तो आपके होश उड़ने तय हैं, क्योंकि भारतीय वैज्ञानिकों ने कुछ ही दिन पहले यानी कि जनवरी में इसी हथियार को लेकर एक बड़ा एक्सपेरिमेंट कर डाला है, जिससे जो हथियार बनकर सामने आया उसने चीन की जड़ों को हिला दिया। दोस्तों, हम आपको पूरी खबर बताएंगे, लेकिन उससे पहले ऐसी नेक्स्ट जनरेशन के हथियार तैयार करने में दिन रात लगे भारत के वैज्ञानिकों के सम्मान और उनके सपोर्ट में इस वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिए। तो चलिए अब बात करते हैं भारत के इस महा हथियार की जिसने चीन की सांसें रोक दी हैं। भारत की जादुई मिसाइल को देख रूस भी हैरान, दुनिया के सबसे खास क्लब में शामिल हो गया भारत। दोस्तों, इस हथियार को जानने से पहले आप एक सीन अपने दिमाग में क्रिएट कीजिए ताकि इस हथियार की असल ताकत आपको समझ में आ जाए। मान लीजिए चीन, क्योंकि ताकतवर देश है, उसकी सेना अक्साई चीन के बॉर्डर क्रॉस करके इंटरनेशनल बॉर्डर पार कर अंदर तक आ जाती है। हजारों चीन के सैनिक जिनके हाथों में रॉकेट लॉन्चर हैं, मिसाइलें हैं, ऐसे ऐसे फ्यूचरिस्टिक वेपन हैं जो चीन के सैनिक बीजिंग में बैठकर ऑपरेट कर रहे हैं, और एक क्लिक करते ही ये सारे हथियार भारत में तबाही ला दें। बीजिंग में बैठे चीनी सैनिक लगातार इन बॉर्डर को क्रॉस करते सेना के साथ संपर्क में हैं। ये भी मान लीजिए कि जहां पर चीनी सैनिक भारतीय सीमा में घुसपैठ कर रहे हैं, वहां भारत का एक भी जवान तैनात नहीं है। अब क्योंकि भारत सब कुछ देख रहा है अपने कंट्रोल रूम से, ऐसे में भारत एक ऐसी अनोखी मिसाइल फायर करता है जो इन चीनी सैनिकों की तरफ सुपरसोनिक नहीं बल्कि हाइपरसोनिक रफ्तार में दौड़ती है। स्पीड की बात करें तो 2469 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड, यानी कि पलक झपकी और मिसाइल गायब। ये मिसाइल चीनी सैनिकों तक जैसे ही पहुंचती है, अचानक से चीन के हथियार काम करना बंद कर देते हैं, चीनी मिसाइलें डीएक्टिव हो जाती हैं।
चीनी सेना बीजिंग में बैठे कंट्रोल रूम से संपर्क खो देती है। दुश्मन के रडार अचानक जाम हो जाते हैं, यहां तक कि रेडियो भी काम करना बंद कर देता है। इतना ही नहीं बल्कि सीमा के पास जो दुश्मन के रडार थे वो भी अचानक आग में तब्दील हो जाते हैं और फिर भारत दूसरी मिसाइल फायर करता है जो घुसपैठ कर रही पूरी चीनी सेना को एक ही वार में खत्म कर डालती है। दोस्तों, अगर ये सीन आपने अपने दिमाग में क्रिएट किया है तो ये कोई कल्पना नहीं बल्कि पूरी तरह सच हो सकता है। यानी ऐसी मिसाइल भारत के पास मौजूद है, भारत के पास वो जादुई मिसाइल बनकर रेडी है जो दुश्मन के संचार को सेकंड्स के हिसाब से काट सकती है, दुश्मन के रडार को ध्वस्त कर सकती है, रेडियो फ्रीक्वेंसी का पता लगा सकती है और उसे काट भी सकती है। यानी कि चीनी कंट्रोल रूम को चीनी सेना से अलग कर सकती है। इस मिसाइल का नाम है रुद्रम मिसाइल। जी हाँ, इस मिसाइल को भारत ने ऐसी शानदार तकनीक से तैयार किया है कि भारत चार देशों के एक खास क्लब में शामिल हो चुका है। इसमें चीन भी नहीं है, यानी कि इस मामले में भारत चीन से आगे निकल गया। ये मिसाइल क्या क्या कर सकती है ये जानकर आप और भी हैरान हो जाने वाले हैं। कितनी ताकत रखती है भारत की एंटी रेडिएशन मिसाइल? आगे बढ़ने से पहले आप ये जान लीजिए कि एंटी रेडिएशन मिसाइलें होती क्या हैं, क्यों रुद्रम मिसाइल एक एंटी रेडिएशन मिसाइल है। दरअसल दोस्तों, ये वो मिसाइल होती है जिन्हें बनाया ही दुश्मन के कम्युनिकेशन सिस्टम को ध्वस्त करने के लिए गया है। ये दुश्मन के रडार, जैमर और यहां तक कि बातचीत के लिए इस्तेमाल होने वाले रेडियो के खिलाफ भी इस्तेमाल हो सकती है। इन मिसाइलों का इस्तेमाल किसी संघर्ष के शुरुआती दौर में होता है। यानी कि जैसा हमने आपको बताया कि दुश्मन पर वार करने से ठीक पहले इस मिसाइल का यूज किया जाता है। इतना ही नहीं बल्कि ये मिसाइलें अचानक आने वाली जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइलों के खिलाफ भी छोड़ी जा सकती हैं। इन मिसाइलों में सेंसर लगे होते हैं जो रेडिएशन का सोर्स ढूंढते हैं। उसके पास जाते ही मिसाइल फट जाती है और वहां पर तबाही मच जाती है। भारत ने ऐसी अपनी पहली मिसाइल रुद्रम 1 के नाम से अक्टूबर 2020 में ही बना ली थी। इसकी ताकत की बात करें तो रुद्रम 1 में प्राइमरी गाइडेंस सिस्टम के तौर पर ऑन बोर्ड पैसिव होमिंग हेड दिया गया है जो ब्रॉडबैंड क्षमता से लैस है। इससे मिसाइलों को एमिटर्स में से अपना टारगेट चुनने की काबिलियत मिलती है। नई NGRAM DJ बैंड के बीच ऑपरेट करती है और 100 किलोमीटर की दूर से पता लगा सकती है कि रेडियो फ्रीक्वेंसी कहां से आ रही है। रुद्रम 1 टारगेट को ढूंढने वाली मिसाइल है। इसमें रडार डोम भी है। इसकी मदद से जमीन पर मौजूद दुश्मन के रडार को ध्वस्त किया जा सकता है। रुद्रम मिसाइल 100 से 250 किलोमीटर की रेंज में किसी भी टारगेट को उड़ा सकती है। इसे बनाया सुखोई Su-30 MKI पर टेस्ट करने के लिए है, लेकिन भविष्य में इसे मिराज 2000, जगुआर, HAL तेजस, HAL तेजस मार्क 2 के साथ भी इस्तेमाल किया जा सकता है। मिसाइल की लंबाई करीब 5.5 मीटर है और वजन 140 किलो। रुद्रम 1 से दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम के साथ साथ उन रडार स्टेशंस को भी उड़ाया जा सकता है जो डिटेक्शन से बचने के लिए खुद को शट डाउन कर लेते हैं। रुद्रम 1 के बाद भारत लाया रुद्रम 2 का तूफान। रफ्तार देख रूस ने कहा इससे हाइपरसोनिक मौत। तो दोस्तों, ये तो हुई रुद्रम 1 की बात, लेकिन वीडियो के शुरू में हमने आपको बताया कि इस मिसाइल पर एक और एक्सपेरिमेंट भारत के वैज्ञानिकों ने कर डाला। दोस्तों, रुद्रम 1 के बाद भारत के वैज्ञानिकों ने इसका अगला वेरिएंट यानी कि रुद्रम 2 भी तैयार कर दिया, जिसने चीन का दिमाग बिगाड़ दिया है। दोस्तों, हाल ही में भारत ने अपनी नई सुपरसोनिक किलर मिसाइल रुद्रम 2 का टेस्ट किया और उसका वीडियो भी जारी किया है। दोस्तों, हाल ही में भारत ने अपनी नई सुपर किलर मिसाइल रुद्रम 2 का टेस्ट किया और उसका वीडियो जारी किया। आर्टिकल आप देख सकते हैं, यह मिसाइल लगातार खबरों में जारी है। यू समझ लीजिए कि यह हवा से जमीन पर मार करने वाली हाइपरसोनिक मिसाइल है, जिसका एक वीडियो जारी हुआ जिसमें मिसाइल को भारतीय वायुसेना के Su-30 MKI फाइटर जेट से दागा जाता है। इसके बाद मिसाइल हाइपरसोनिक गति से उड़ते हुए टारगेट को कुछ ही सेकंड में ध्वस्त कर देती है। इतना भयानक धमाका होता है कि टारगेट पूरी तरह से नष्ट हो जाता है। सबसे कमाल की बात है इसकी स्पीड। इस मिसाइल की स्पीड है 6791.4 किलोमीटर प्रति घंटा। रूस भी इस मिसाइल से काफी हैरान है। ये खबर आप देखिए, यानी कि रूस ने भी मिसाइल को हाइपरसोनिक मौत का नाम दिया है।
रुद्रम 2 की रेंज 300 किलोमीटर है। यह अधिकतम 3 से 15 किलोमीटर तक की ऊंचाई तक जा सकती है। सबसे खतरनाक इसकी गति है। यह ध्वनि की गति से 5 गुना ज्यादा स्पीड से उड़ान भरती है। इसमें INS और सेट नेव गाइडेंस सिस्टम लगा है, साथ ही पैसिव रडार होमिंग सिस्टम है। इसकी सटीकता 5 मीटर है, यानी टारगेट से 5 मीटर अगर दूर भी ये गिरती है तो वो भी पूरी तरह से ध्वस्त हो जाएगा। इस मिसाइल के मुख्य मकसद ही दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम को बर्बाद कर देना है। ये बेहद आराम से दुश्मन के बंकर, एयरबेस, हथियार डिपो, एयरक्राफ्ट हैंगर जैसे टारगेट को आसानी से बर्बाद कर सकती है। तो दोस्तों, इस मिसाइल को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। धन्यवाद।